तो आ गया एक और नए वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने YouTube वीडियोस को Google Ads के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर किए जिससे आप जो अपने वीडियो पे कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ सकते हो। और जो भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी की सारी प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको भी कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ लेकर आना है तो आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैंने अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लिया है, और गूगल एड्स में मोबाइल से अकाउंट किस तरह से बनाना है इसके ऊपर पहले से मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप लोग जो उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि मोबाइल से गूगल एड्स अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, और गूगल एड्स में पैसे किस तरह से ऐड करना है इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो दोनों वीडियो के लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर जो उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन करना है। जैसे आप गूगल एड्स अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, तो अभी मैं आपको जो न्यू कैंपेन पे क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे आप जो न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करके बता दूंगा। उसके बाद नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किसके लिए ऐड रन कराना चाहते हो। तो यहाँ पर हम जो वीडियो एड्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो वीडियो वाला ऑप्शन है आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको शॉपिंग वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको सिर्फ जो वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऊपर जो है यहाँ पर आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने जो दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम वीडियो कैंपेन, तो आपको इसी पे सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आपको आ जाना नीचे, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है जनरल सेटिंग, और जनरल सेटिंग के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैंपेन नेम का। तो कैंपेन नेम में आप कुछ भी यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हो, जो भी आपका वीडियो का नाम है वो ऐड कर सकते हो, या आप जो अपने खुद का भी नाम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मैं ऐड रन कराने जा रहा हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है। अगर आप भी मुझसे ऐड रन कराना चाहते हो तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने जो कैंपेन का नेम लिख दिया, उनका वीडियो का जो भी नाम था यहाँ पर मैंने कैंपेन नेम में उसे लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है बीडिंग स्ट्रैटर्जी, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैक्सिमम CPV और होगा मैक्सिमम CPM। तो मैक्सिमम CPV का मतलब है कॉस्ट पर व्यू, और CPM का मतलब है कॉस्ट पर इम्प्रेशन। अब यहाँ पर गूगल हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो है पर व्यू के हिसाब से पैसा देना चाहते हो, यानी कि आप जो एक व्यू का कितना पैसा देना चाहते हो, या जो आप इम्प्रेशन के हिसाब से पैसा देना चाहते हो। तो अगर आपको कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ दिखाना है, ज़्यादा व्यूज़ लेकर आना है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू पे सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है एक व्यू के हिसाब से पैसा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर अभी मैंने जो मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम जो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो एक व्यू का कितना पैसा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको जो है मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक करके इसे हम जो क्लोज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन मिलता है बजट एंड डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका जो बजट है आप कितने रुपीज़ के एड्स रन कराना चाहते हो, कितने दिनों के लिए रन कराना चाहते हो, यहाँ पर आप जो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कैंपेन टोटल और होगा डेली। डेली में आप ये सेट कर सकते हो कि आप जो पर डे कितना रुपया स्पेंड करना चाहते हो, यानी कि रोज़ कितना पैसा यहाँ पे आप खर्च करना चाहते हो, या अगर आप डेली बजट सेट करना चाहते हो तो डेली बजट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो डेली लिख दिया है, यहाँ पे डेली लिखने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो 100 रुपया है डेली में, जो 100 रुपया स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब जो है आप एड्स कब से स्टार्ट करना चाहते हो और कब ख़त्म करना चाहते हो। तो फिलहाल मेरे पास जो है 500 रुपया है, और मैं पर डे जो है 100 रुपये के एड्स दिखाना चाहता हूँ, तो इस हिसाब से जो मैं 5 दिन एड्स दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट जो है 1 अक्टूबर कर लिया है, और एंड डेट जो है 5 अक्टूबर कर यहाँ पर जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम जो इसको भी क्लोज़ कर लेंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क्स का, तो नेटवर्क में जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि आप जो है यूट्यूब पर कहाँ कहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हो। अभी यहाँ पर मैंने आपको बजट बता दिया है कि हमारा जो है 100 रुपये डेली खर्च होगा, और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ऐड दिखेगी। अब यहाँ पर मैं नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यूट्यूब सर्च रिजल्ट है आपको इस पर टिक रहने देना है, यूट्यूब वीडियोज़ पर भी टिक रहने देना है। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको इसे अनटिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमें जो कम पैसों में ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो अब इस विंडो को भी हम जो क्लोज़ कर लेते हैं। अब मैंने इसे जो क्लोज़ कर लिया है, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, तो लोकेशन में अगर आप इंडिया से हो तो आप जो इंडिया के लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है। अगर आपको कोई और कंट्री सिलेक्ट करनी है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो
तो यहाँ पर आप जो उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं जो यहाँ पे इंडिया को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे जो टारगेट इंडिया को ही करना है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया ही कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज का, तो आपकी जो भी वीडियो की लैंग्वेज है उस हिसाब से यहाँ पर आप जो है उन ऑडियंस तक अपनी वीडियो को पहुँचा सकते हो। अब जो मेरे क्लाइंट है यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर है जिनके लिए जो मैं गूगल एड्स रन करा रहा हूँ, उनकी जो वीडियो की लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, तो यहाँ पर मैं जो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी वीडियो की लैंग्वेज है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री टाइप, तो यहाँ पर आपको जो एक्सपांडेड इन्वेंट्री है आपको इसे सिलेक्ट करना है। ये जो स्टैंडर्ड पे होगा तो यहाँ पर आपको इसे जो एक्सपांडेड पे कर देना है, तो इसे मैंने एक्सपांडेड पे कर दिया है, अब इसे भी मैं जो क्लोज कर दूंगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूड टाइप्स एंड टेबल, तो यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एम्बेड यूट्यूब वीडियोस और लाइव स्ट्रीम वीडियोस, आपको इन दोनों को चेक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कंटेंट नॉट एट, इसको आपको मुझे अनचेक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो दोनों को सिलेक्ट करके इसे अनचेक कर दिया है, अब इसे भी मुझे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर इससे क्या होगा गाइज, हमें जो है कम बिड में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तो आपको इसे सिर्फ इन दोनों को ही सिलेक्ट यहाँ पर रखना है। उसके बाद इसे मैं जो क्लोज कर दूंगा, क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का, तो यहाँ पर अभी मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। तो जो एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो छोटा सा एरो दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिवाइस वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, और नीचे आपका ऑप्शन मिलता है सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइस, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आप जो है एड्स कौन सी डिवाइस पर दिखाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मोबाइल को ही सिलेक्ट करके रखोगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो सिर्फ मोबाइल पर ही सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर पे या टीवी पे दिखाओगे तो उस पर कुछ मतलब नहीं होगा, ज़्यादा यूज़र तक वो ऐड नहीं पहुँच पाएगी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मोबाइल ही सिलेक्ट कर रखना है। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन मिलता है फ्रीक्वेंसिंग कैंपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो यूज़र है जिसको भी आपको एड्स दिखानी है उसको एक दिन में कितने बार एड्स दिखाना है या एक वीक में कितने बार एड्स दिखाना है। तो यहाँ पर मैं जो एक कर देता हूँ, यहाँ पर जो पर डे करता हूँ, अब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी यूज़र होगा उसको जो है एक दिन में एक ही बार मेरी ऐड दिखाई जाएगी। अगर बार बार ऐड दिखाई जाएगी तो वो सामने वाला जो इरिटेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं जो है एक दिन में एक ही ऐड दिखाना चाहता हूँ किसी भी यूज़र को। यहाँ पर आप जो इसे पर मंथ भी कर सकते हो और पर वीक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको जो पर डे एक ही उसको ऐड दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं जो एक कर देता हूँ, यहाँ पर जो पर डे कर देता हूँ। अब इसे हम जो क्लोज कर देंगे, यहाँ पर आप जो आपके हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आपको जो पर डे में उसको एक ऐड दिखानी है या दो ऐड दिखानी है। अगर आपको आपके यूज़र को एक दिन में दो बार ऐड दिखाने हैं तो यहाँ पे जो इंप्रेशन कैप लिखा है यहाँ पर आपको दो कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे एक ही रहने देता हूँ और इसे जो क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद गाइस नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड ग्रुप नेम, तो यहाँ पर आप जो वापस अपने जो भी वीडियो का नाम है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो ऐड है वो कौन सी ऐड है। तो यहाँ पर मैं जो मारिस प्रूफ जो कि उनके वीडियो का नाम था यहाँ पर मैं वो जो ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे आपने ऐड ग्रुप नेम ऐड कर दिया, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डेमोग्राफिक्स का, तो यहाँ पर अभी मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमें जो इसे इनेबल करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सी एज के यूज़र को ऐड दिखानी है या जो पेरेंट्स है उन्हें ऐड दिखानी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जो अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर इसे जो सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको मेल फीमेल किसको ऐड दिखानी है, कितने एज के अंडर आपको ऐड दिखानी है। तो आपका जो भी कैटेगरी का वीडियो है आप जो उस हिसाब से यहाँ पर जो है जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एज वगैरह सेट कर लेता हूँ। एज वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पर हम जो इसे अब क्लोज कर देंगे, तो आपका जो भी एज है यहाँ से आप जो अपने एज के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ऊपर क्लोज वाला ऑप्शन आ रहा है मैं इसे जो क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जो हमें नीचे वाला ऑप्शन मिल रहा है हम जो उस पर चलते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑडियंस का, तो आपकी जो भी ऑडियंस है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस तक ऐड पहुँचाना, कि आप जो कौन से ऑडियंस को एड्स दिखाना चाहते हो। अब जैसे कि जो मेरे क्लाइंट है जो सब्सक्राइबर है उनकी जो वीडियो थी वो कॉमेडी वीडियो थी, तो अब कॉमेडी ऑडियंस तक ही मुझे उनको एड्स दिखाना पड़ेगा, तभी मेरे जो है कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी ऑडियंस को सिलेक्ट कर दूंगा जो कि कॉमेडी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो मेरी एड्स पे क्लिक क्यों करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पर ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि कॉमेडी में इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको जो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला होगा सर्च, आइडियाज़ और ब्राउज। तो सर्च में जाकर आपका जो भी ऑडियंस है आप जो यहाँ पर अपने ऑडियंस को सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पर कॉमेडी थी और फनी वीडियो था, तो यहाँ पर मैंने फनी वीडियो ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो भी ऑडियंस थी उसके रिलेटेड वो सारी की सारी ऑडियंस मुझे यहाँ पे जो शो हो रही है। तो आप जो अपने वीडियो के हिसाब से अपने वीडियो के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप जो ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाजू में आपको ऑप्शन मिलेगा आइडियाज़ का, तो आइडियाज़ में भी आपके यहाँ पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कौन कौन सी ऑडियंस यहाँ पर है, तो आप जो उस हिसाब से यहाँ पर अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। और ब्राउज में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे,
कि आपके जो भी ऑडियंस है वो किस में इंटरेस्टेड होनी चाहिए, किस में इंटरेस्टेड है या किस में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारा आपको जो ब्राउज में पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं जो सर्च में ही जाके कुछ ऑडियंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मुझे एड्स दिखानी है। अब मैं आ जाता हूँ ब्राउज वाले ऑप्शन पे, और ब्राउज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जो उनके कैटेगरी के हिसाब से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हो इन ऑडियंस को मुझे जो एड्स दिखाना है। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट। तो आपको इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको इसे एज इट इज़ रखना है। अगर आप कुछ कीवर्ड ऐड करना चाहते हो कि जैसे कोई अगर फनी वीडियो सर्च करे तो उसको आपके ऐड दिखाई जाए, या कोई कॉमेडी वीडियो सर्च करे तो उसको आपकी ऐड दिखाई जाए, तो यहाँ पर आप जो कीवर्ड में आके उन सारी कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। बट इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बीट लगानी पड़ेगी, यानी महंगी बीट लगानी पड़ेगी, उससे आपको जो है ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कीवर्ड में कुछ भी ऐड मत करना, टॉपिक में भी कुछ भी ऐड मत करना, आपको डायरेक्ट आ जाना नीचे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बिडिंग का। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हम जो है एक व्यू के हिसाब से पैसा देना चाहते हैं, तो गूगल हमसे पूछ रहा है आप जो एक व्यू का कितना पैसा देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको जो हो सके उतना कम लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे मैं 0.10 पैसा लगा रहा हूँ, तो ऊपर मुझे जो एक नोटिफिकेशन जैसा आ रहा है, यहाँ पर ये लिखा है कि मेरी ऑडियंस वो जो है थोड़ी महंगी है, तो मुझे बिड को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जो अपने हिसाब से बिड को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है योर वीडियो लिंक, तो आपके जो भी वीडियो का लिंक है, अब जैसे मेरे जो सब्सक्राइबर थे जो मेरे से ये एड्स रन करा रहे हैं, उनके वीडियो के लिंक मेरे पास है, तो मैं उनके वीडियो को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वीडियो को लिंक को पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमें दो टाइप के ऐड मिल जाते हैं। सबसे पहले तो स्किपेबल ऐड और दूसरा है वीडियो डिस्कवरी ऐड। तो जो स्किपेबल ऐड होता है वो थोड़ा महंगा ऐड होता है, इससे हमें जो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो डिस्कवरी ऐड जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आपके ऐड का प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा कि आपका ऐड जो है किस तरह से यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है टाइटल का, तो यहाँ पर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर देना है। और टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके टाइटल या डिस्क्रिप्शन में किसी भी ब्रांड का नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि यूट्यूब का भी नाम नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा लिख दोगे यूट्यूब व्यूज कैसे बढ़ाए, तो आपको जो गूगल एड्स का कैंपेन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा या डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपका जो भी वीडियो का टॉपिक है उसी को यहाँ पर लिखना। अगर आप किसी भी कंपनी का नाम या किसी भी ब्रांड का नाम यूज़ करोगे तो आपका ऐड जो है डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। तो इनका वीडियो का जो भी टाइटल था, तो इनका टाइटल था मारी स्पूफ वीडियो, तो मैं इसे जो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर आकर जो पेस्ट कर देता हूँ। तो आप जो अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है यही सब कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मारी स्पूफ कॉमेडी वीडियो, उसके बाद इसे ही कॉपी करके जो है मेरी डिस्क्रिप्शन 2 में भी मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि आपने वीडियो में क्या बताया, या आपका वीडियो जो किस रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन 2 में भी उसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड नेम। अभी ऐड नेम में आप कुछ भी नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर में कि आपने कौन सी वीडियो के लिए एड्स रन कराई थी। तो यहाँ पर मैं जो मारी स्पूफ वीडियो लिख देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यूर एस्टिमेट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मेरा बजट जो है 500 रुपये का है, और मुझे जो है पर डे 100 रुपये की ऐड दिखानी है। तो इस हिसाब से मुझे जो है 3.8K यानी 3,800 से लेके 12,000 तक व्यूज़ मिल सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता कि मुझे इतने व्यूज़ मिल ही जाएंगे। यहाँ पर ये बता रहे कि 3,800 से लेकर 12,000 के बीच कितने भी व्यूज़ मुझे जो है मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका इंप्रेशन देख सकते हो, 95,000 से लेकर 3,60,000 तक मुझे जो इंप्रेशन मिल सकता है, इतने लोगों को मेरी जो है ऐड दिखाई जाएंगे कि 500 रुपये में। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट पर व्यू बता रहा है कि एक व्यू का कितना पैसा होगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो जितना हाई ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको भीड़ लगानी पड़ेगी, और उतने ज़्यादा यहाँ पर आपको जो पैसे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको व्यूज़ भी कम मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप जो सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो एड ग्रुप और एड्स लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा कि आपके ऐड का नाम क्या था, आपने कितने की बीडिंग लगाई है, कौन कौन से आपने टारगेट ऑडियंस किए, और यहाँ पर किन किन लोगों को एड्स दिखाई जाएगी, सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और आपका वीडियो का थंबनेल भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जो कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो स्टेटस में बताया जाएगा कि आपका कैंपेन जो है वो पेंडिंग में। तो यहाँ पर जो 2 से 3 घंटा या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है इनको अप्रूव करने में। तो अगर आपके वीडियो में कुछ भी गड़बड़ नहीं है या कुछ मिसलीडिंग थंबनेल आपने नहीं लगाया है, तो आपका ऐड जो है 2 से 3 घंटे के अंदर ही अंदर जो है अप्रूव हो जाएगा। तो गाइस अभी ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस से आप जो है कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ सकते हो अपने वीडियो में। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है वीडियो पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होते हैं यार, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ में
मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर गाइस अगर आप ओवरव्यू में आओगे तो ओवरव्यू में जब आपका कैंपेन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो एड्स है वो अप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके एड्स पे कितना इंप्रेशन आ रहा है या कितना आपको व्यूज़ मिला है। अगर आपके एड्स पे बहुत ज़्यादा ही इंप्रेशन आ रहा है तो आप जो बिड को कम कर सकते हो, यानी कि एक व्यू का हमें जितना पैसा देना था उसे हम जो कम कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे जो एड्स अप्रूव हो गई है उसके बाद भी आपको एड्स पे इंप्रेशन नहीं आ रही है या व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आपका जो बिड था उसे आप जो बढ़ा सकते हो, जो कि मैंने 0.10 पैसा लगाया था उसे हमें जो बढ़ा के और बढ़ा कर देना चाहिए, जैसे 0.30 पैसा या 0.50 पैसा कर देना है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऑडियंस पे, आपके ऑडियंस जैसी होगी आपको जो उतना यहाँ पर ऐड करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।